गैस बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो आजकल व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते, जिनके पास में स्मार्टफोन है। आजकल सभी सभी ने अपने अपने फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप को एज ए बिजनेस यूज़ करते हैं। अपने बिजनेस में व्हाट्सएप का बहुत रोल होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो व्हाट्सएप से ही होते हैं उनके। तो उसकी सिक्योरिटी को लेके बहुत लोग ऐसे कंसर्न होते हैं कि बहुत ज़्यादा सिक्योर रखते हैं, बहुत तरह के उसमें लॉक लगा के रखते हैं। और आजकल स्मार्टफोन आ रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो उसके अंदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाल लेते हैं उसको लॉक करने के लिए। तो इसी के चलते व्हाट्सअप कुछ ना कुछ नए नए फीचर्स निकालता रहता है। अभी लॉन्च करने जा रहा है हाल ही में व्हाट्सअप एक नया फीचर जो फिंगरप्रिंट लॉक होगा, तो बहुत ही कमाल का फीचर है, आने वाले टाइम में बहुत ही कमाल का होने वाला है। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, और आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के फिंगरप्रिंट लॉक के बारे में। आने वाले टाइम में व्हाट्सएप जो है ये नया फीचर लॉन्च करने जा रहा है, अपनी सिक्योरिटी में एक नया फीचर ऐड करेगा। तो अभी जो है व्हाट्सएप की जो न्यूज़ आ रही है, व्हाट्सएप जो है वो लॉन्च करेगा वो बीटा यूज़र के लिए। गाइज ये जो सिक्योरिटी होगी फिंगरप्रिंट लॉक सिक्योरिटी व्हाट्सएप जो लॉन्च करेगा, ये सबसे पहले बीटा यूज़र के लिए होगी। बीटा यूज़र वो यूज़र होते हैं जिन पे डेवलपर जो होते हैं वो उन पे टेस्टिंग करते रहते हैं, और बीटा यूज़र के लिए जो एप्लीकेशन होती है वो सभी जो अदर यूज़र होते हैं या पब्लिकली जितने भी यूज़र होते हैं वो उनके लिए नहीं होती। और बीटा यूज़र जो भी अपना फीडबैक रहता है या भी कुछ सजेशन रहता है एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो डायरेक्टली डेवलपर टीम को भेज सकते हैं, और कुछ भी सजेशन रहेगा या कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी वो डायरेक्ट उनको मेल कर सकते हैं या इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, और उनमें बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये कमी है या ये चीज़ हो रहा है। और जो बीटा यूज़र होंगे जिनकी जो एप्लीकेशन उनके लिए बनती है वो इतना सिक्योर नहीं होती जितना कि ऑफिशियल एप्लीकेशन होती है वो सिक्योर होती है, क्योंकि ये डेवलपिंग फेज़ में होती है और ये एप्लीकेशन कभी भी क्रैश भी हो सकती है, कुछ बग्स भी आ सकते हैं। तो उन बग्स को और जो भी प्रॉब्लम होती है उन्हें फिक्स करने के लिए डेवलपर टीम जो है वो सबसे पहले अपना फीचर जो है वो बीटा यूज़र के लिए देता है। और गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मैं भी एक बीटा यूज़र हूँ, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम व्हाट्सएप इंस्टॉल किया था तो बहुत कम यूज़र थे उस टाइम, और उसी टाइम मैंने जो है बीटा ऑप्शन होता है उसमें साइन इन कर लिया था। तो तब से जो भी अपडेट निकालता है व्हाट्सएप ऑफिशियली लॉन्च करने से पहले वो मेरे व्हाट्सएप में आ जाता है। जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करता हूँ प्ले स्टोर से, तभी के तभी मुझे वो फीचर आ जाता है जो कि अदर यूज़र के लिए नहीं होता। तो मैं अपने फ़ोन में देख सकता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं, व्हाट्सएप ने क्या फ़ीचर निकाला है। तो अभी जो मेरा वर्ज़न है 2.19.12 चल रहा है, और जो बीटा मैं एक बीटा यूज़र हूँ। तो अभी जैसा कि अभी मुझे ये फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन नहीं आया, आने वाले टाइम में ये मुझे आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा इसके ऊपर आपको एक वीडियो बनाऊँगा कि आप कैसे वो एक्टिवेट कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे गाइज आपको, कि अगर आपने फिंगरप्रिंट लॉक लगाया है और बाई चांस ऐसा हो जाता है कि आपने लॉक तो लगा दिया, और बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब आप फिंगर को टच करते हो या फिंगर आपकी कुछ मतलब गीली है या फिर मतलब हो जाता है कि तो कुछ लगा हुआ है, और बहुत सी बार फ़ोन आपका एक्सेस नहीं हो पाता, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास में एक सेकेंडरी ऑप्शन होगा। क्योंकि आप ये मत समझना कि अगर आपका व्हाट्सअप लॉक हो गया फिर ओपन नहीं होगा, तो सेकेंडरी ऑप्शन ये होगा कि आप अपना एक सेकेंडरी पासवर्ड डाल के उसको ओपन भी कर सकते हो। तो ये भी एक कमाल की चीज़ है कि आपके पास में एक सिक्योरिटी जो है वो एक और ऐड कर दी है व्हाट्सअप ने, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाल लेते हैं, हो सकता है उससे प्रॉब्लम हो सकती है डेटा लीक होने की या बहुत सारी और प्रॉब्लम होती है। तो उसी के चलते बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। और गाइस जैसे ये व्हाट्सअप नया फीचर अपनी सिक्योरिटी में ऐड करेगा, तो ये आपको कैसे देखना है, सबसे पहले आपको व्हाट्सअप अपना ओपन करना होगा, और उसके बाद में आप जाओगे राइट साइड में जो तीन डॉटेड दिखाई हैं अपनी सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद में अकाउंट, और उसके बाद में आप जाओगे प्राइवेसी में। तो प्राइवेसी के अंडर में एक नया फीचर और ऐड हो जाएगा फिंगरप्रिंट का। सो गाइस बस इस वीडियो में बस यही है, इतना ही बताना था कि व्हाट्सअप आने वाले टाइम में अपनी सिक्योरिटी को बहुत सिक्योर करेगा, और आने वाले टाइम में एक और नई सिक्योरिटी ऐड कर रहा है व्हाट्सअप फिंगरप्रिंट लॉक। तो बहुत ही कमाल का फीचर होने वाला है, और जैसे ही अपडेट आएगा तो सबसे पहले मेरे फ़ोन में आ जाएगा, मेरे व्हाट्सअप में आ जाएगा, क्योंकि मैं एक बीटा यूज़र हूँ। तो जैसे ही मेरे फ़ोन में आ जाएगा ये अपडेट, उसके बाद में एक आने वाले टाइम में मैं किसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि आप लोग भी कैसे अपने फिंगरप्रिंट लॉक को एक्टिवेट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।